नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व नगरी। मैं नीलमणि। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के आज 13 दिन हो गए हैं। दोनों देशों के बीच हमले लगातार जारी हैं। रूस पर कई देशों के प्रतिबंधों के बाद अब कोका कोला और पेप्सिको ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ अपना व्यापार फिलहाल रूस में बंद करने का ऐलान किया है। रूस पर अमेरिका के कई प्रतिबंधों की घोषणा करने के बाद हाल ही में पश्चिमी देशों से जुड़ी कई और कंपनियों ने भी रूस में अपना व्यापार रोकने का ऐलान किया है। प्रतिबंध के बारे में बताते हुए कोका कोला ने कहा कि रूस और यूक्रेन में उसके कारोबार ने साल 2021 में कंपनी के नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू में लगभग 1-2% का योगदान दिया है। कंपनी ने आगे कहा कि हमारा दिल यूक्रेन में इन दुखद घटनाओं से प्रभावित हो रहे लोगों के साथ है। वहीं पेप्सिको ने कहा कि वह रूस में दूध और अन्य डेयरी संबंधी चीज़ों, बेबी फार्मूला और बेबी फूड जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जारी रखेगी। बता दें कि पेप्सिको पश्चिम की उन कुछ कंपनियों में शामिल है जिसका कोला सोवियत संघ में इसके पतन से पहले भी बिकता था। पेप्सिको ने एक बयान जारी करते हुए कहा, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हम 60 से अधिक वर्षों से रूस में काम कर रहे हैं और कई रूसी घरों में हमारे लिए जगह है। पेप्सी कोला ने शीत युद्ध में रूस के बाजार में प्रवेश किया और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जमीन बनाने में मदद की, लेकिन अब हम यूक्रेन में होने वाली भयावह घटनाओं को देखते हुए हम पेप्सी कोला की बिक्री बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। इसमें सेवन अप और मिरिंडा भी शामिल है। हम रूस में पूंजी निवेश और सभी विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों को भी निलंबित कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले मैकडॉनल्ड्स कॉर्प ने कहा कि वह रूस में अपने सभी 847 रेस्तरां को अस्थायी रूप से बंद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विश्व नगरी।